मध्य प्रदेश विधानसभा की नवगठित सभा समितियों की संयुक्त बैठक विधानसभा के मानसरोवर सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने की। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में विधानसभा की 14 समितियों के सभापति और सदस्यों का निर्वाचन संपन्न हुआ। वहीं बैठक के दौरान नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा समितियों की कार्यप्रणाली और उनकी जिम्मेदारियों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विधायिका का कार्य केवल नीतियों पर विचार विमर्श और कानून निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी कामकाज पर निरंतर निगरानी रखना और उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करना भी है। अगर समितियों के सदस्य मेहनत करेंगे तो इसका सीधा लाभ जनता को मिलेगा। विधानसभा की जो समितियां हैं उनकी भी महत्वपूर्ण काम हो गया, समितियों का गठन हो गया है और आज प्रारंभिक रूप से सभी समितियों और उनके अध्यक्षों को आमंत्रित किया था, जिससे कि वो आगे अपनी कार्यवाही को और द्रुत गति से बढ़ाएं। हर समिति के अलग अलग अधिकार हैं, अलग अलग दायित्व हैं और मुझे लगता है कि सभी सदस्य मिलकर दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर विषयों के प्रति अपने दायित्व को समझेंगे और आगे बढ़ाएंगे तो प्रदेश को और विधानसभा की गरिमा को निश्चित रूप से लाभ होगा। इनके सभापति और इनके सदस्यों का निर्वाचन और मनोनयन संपन्न हुआ बिना समय गवाए उनकी आज संयुक्त बैठक करके और उन समितियों को अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन करने के लिए इस तरीके से काम को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक बैठक का आयोजन हो गया है और उनके उद्बोधन के बाद सभी सभापति और सदस्यों को उनका उनकी अधिकार उनका जिम्मेदारी इन सब चीज़ों का एहसास माननीय अध्यक्ष महोदय ने विधानसभा अध्यक्ष जी ने करा दिया है और इसलिए समय सीमा भी तय कर दी है कि त्वरित बैठकें होगी तो जो पेंडेंसी है वो कम होगी और उसका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को और क्षेत्र के विकास को मिलेगा। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।